हेलो फ्रेंड दोस्तों, प्रश्न आपके सामने। एक घोड़े को 18,500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि वह कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। पहले उसको 20% की हानि हो रही, अब उसको कितने में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। उसने 18,500 में बेचा, अब कितने में बेचे कि 20% का उसको लाभ हो जाए, है ना, 20% का लाभ हो जाए। दोस्तों ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके। देखिए ये 18,500, पहले इसका क्रय निकालेंगे, यानी 20% हानि। 20% हानि मतलब 1/20% हानि मतलब 20। देखिए 20% हानि का क्या होगा, 20/100, तो 20 × 20 = 100, 1/5। 1/5 यानी 5, एक में से घटाएं तो 4/5 क्या होगा, 4/5। तो इसको उलट गुणित करना पड़ेगा, 5/4, ठीक है। और लाभ होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हानि में घटता है लाभ में जुड़ता है। 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब 20/100, 20 × 20 = 100, 1/5, तो इसमें एक जुड़ेगा, एक जुड़ेगा मतलब एक में जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 × 6/5, तो 6/5 ये सीधा लिखा जाएगा, ये क्या होगा, सीधा लिखा जाएगा। अब देखो 5 से 5 कट गया, 2 × 4 2 × 3 6, 2 से कटा तो 2 × 2 = 18, 2 × 4 2 × 5 = 10 0, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों इसमें, 27,750। थैंक यू दोस्तों, तो 27,750 कौन सा, सी ऑप्शन अपना राइट होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।